दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम JKSSB जूनियर सुपरवाइजर या सब ऑडिटर के कट ऑफ को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरे जितने भी आपके पेपर्स हुए, जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई, उन शिफ्ट का लेवल कैसा था, वो पेपर कैसा आया था, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आज हम ये कट ऑफ जो है वो डिटरमाइन करने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ में दोस्तों, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी पे भी चर्चा करेंगे, और क्या कट ऑफ जाएगा इस पे पूरी आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, आप वहां पे जाकर हमें जरूर फॉलो करें। सोशल मीडिया का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी स्टडी मटेरियल वहां पे पोस्ट करते हैं दोस्तों। तो आप इस चीज को कतन मिस ना करें। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जाम है जूनियर सुपरवाइजर या सब ऑडिटर का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9/11/2021 से लेकर 12/11/2021 तक हुआ है। तो हर एक दिन जो है वो दो दो शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है। तो आप एक्सपेक्टेड, आप ये मान के चलते चल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 40,000+ कैंडिडेट्स इसमें जो है वो अपेयर हुए। ठीक है, अप्रोक्स। जहां तक बात है दोस्तों वैकेंसीज की, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर आपके पास लॉन्ग लिस्ट पड़ी है। टोटल वैकेंसीज जो है वो आपकी 162 है। और जहां तक बात है आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो अनंतनाग में आपका जो है वो 13 वैकेंसीज है, बडगाम में 18 वैकेंसीज, बारामूला 2, बांडेपरा में 2, डोडा में 2 वैकेंसीज, गांधरबल में 5 वैकेंसीज, कुलगाम में 5 वैकेंसीज, शोपियन में 5, किश्तवाड़ में 5, रामबन में 3, रजौरी में 17, पुंछ में 6, श्रीनगर में 19, कुपवाड़ा में 10, रियासी में 3, उधमपुर में 12, कठुआ में 18, जम्मू में 12, सांबा में 7, गांधरबल में 5, पुलवामा में 11। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बनती है दोस्तों आपकी 162। ओके, तो 162 आपकी जो है वो वैकेंसीज बनती हैं आपकी यहाँ पे, अगर आप देखें। जहां तक आपके पैटर्न ऑफ पेपर की बात है दोस्तों, आपका पेपर जो है वो 120 क्वेश्चंस थे, 120 मार्क्स के, और 120 मिनट्स में आपको करने थे। ठीक है, ओके, यानी कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना था जो आपका पैटर्न था पेपर का। ओके, तो इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन थे, जीके में भी 20 क्वेश्चन थे, जीके JNDK में भी 20 क्वेश्चन थे, साइंस में भी 20 क्वेश्चन थे, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन थे। तो हर एक कंपोनेंट में जो है वो अलग अलग करके 20-20 करके जो है आपके कितने बने थे, 120 क्वेश्चंस। ओके, तो दोस्तों अब स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं आपके कट ऑफ को, और कट ऑफ पे बात करते हैं। तो जहां तक बात आपके कट ऑफ की है दोस्तों, तो कट ऑफ जो है वो आपके 4 ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स की बुनियाद पे आपका कट ऑफ निकल के आता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। देखिए, 4 ऐसे स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी, स्टूडेंट्स अपीयर, लेवल ऑफ पेपर और नॉर्मलाइजेशन। इन 4 स्टेप्स की बुनियाद पे आपका कट ऑफ निकल के आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज 162 है, और इस पे आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो कि कितना कट ऑफ जाएगा। देखिए, आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसीज दोस्तों अगर आपकी बहुत ज्यादा है और आपका जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर कम हुए हैं एज कंपेयर टू, अगर हम रेशियो देखें उनका, तो उस रेशियो में अगर आप कैंडिडेट्स कम अपीयर हुए तो कट ऑफ जो है वो लो जाने का चांस होता है। ठीक है, अगर कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा अपीयर हुए, अगर 5 पोस्ट हैं, अगर 5 पोस्ट में 500 कैंडिडेट अपीयर करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आप खुद अपना दिमाग लगाएंगे कि वहां 5 पोस्टों के लिए जो है वो 500 कैंडिडेट अगर अपीयर होंगे तो वहां क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो यही बात होती है कि अगर वैकेंसीज आपकी ज्यादा है तो कैंडिडेट्स जो है वो कंपेरेटिवली कम है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है वो लो जाने का चांस रहता है। अगर पोस्ट जो है वो बहुत कम है और कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आपका कट ऑफ जो है वो हाई जाने का चांस रहता है। ओके,
तो ये दो चीजें जो है वो एक्सप्लेन हो गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लेवल ऑफ पेपर और नॉर्मलाइजेशन, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन और लेवल ऑफ पेपर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके कट ऑफ को लेके। देखिए बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपका जो है वो पेपर का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा टफ आया है, तो उस केस में भी क्या होता है कि आपका स्कोर जो है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है आपका जो है वो। क्योंकि देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा पेपर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह शिफ्टों में वो पेपर हुआ है, ठीक है, और उन छह की छह शिफ्टों में मान लो पहली शिफ्ट में जो है पेपर टफ था, दूसरी शिफ्ट में इजी, तीसरी शिफ्ट में टफ, चौथी शिफ्ट में इंटरमीडिएट, फिफ्थ शिफ्ट में जो है वो इन बिटवीन टफ एंड इजी, उस तरह से यही, और सिक्स शिफ्ट में जो है वो लो। अब क्या होगा, छह शिफ्टें हैं और छह शिफ्टों में आपने देखा कि पेपर का लेवल ही अलग है। क्या है, पेपर का लेवल अलग है, तो क्या होगा वहां पे जो है वो आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी। आपने देखा होगा इससे पहले जेके एसएसबी ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स के रिजल्ट निकाले और वहां पे परसेंटाइल स्कोर आया, तो परसेंटाइल स्कोर देखा आपने, कैंडिडेट्स का स्कोर परसेंटाइल स्कोर में आया, और कैंडिडेट्स कहते हैं किसी के अगर 80% है तो वो ये कह रहा है कि सर मेरे 80 points। बिल्कुल नहीं भाई, परसेंटेज और परसेंटाइल में आसमान जमीन का फर्क है, मार्क्स और परसेंटाइल में बहुत ज्यादा आसमान जमीन का फर्क है। परसेंटाइल देखो, परसेंटाइल और परसेंटेज में भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, परसेंटेज होता है आपका मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल इंटू 100, ठीक है, मतलब कितने मार्क्स आपको आए डिवाइडेड बाई टोटल अपॉन 100 इंटू 100। उसके बाद अगर आपका परसेंटाइल होता है दोस्तों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड यू, बिहाइंड टॉपर अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इंटू 100। मतलब यहां पे आपने देखा परसेंटेज के केस में आपको मान लीजिए 10th में जो है वो कितने 400 मार्क्स है, ठीक है, 400 मार्क्स है आउट ऑफ 500, तो जब आप आपको उसकी परसेंटेज निकालोगे तो 400 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100 करोगे, तो यहाँ पे ये ऐसे कैंसिल करोगे तो वो आपका 80% बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल में क्राइटेरिया ही अलग होगा। आपने 80% मार्क्स जो है वो लाए हैं 10th में, लेकिन परसेंटाइल में क्या है, मान लो आपको 400 मार्क्स हैं और आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो टॉपर है, अपने पूरे जो है वो स्कूल का टॉपर है, ठीक है, अब स्कूल का टॉपर है यानी कि उस एग्जाम का टॉपर है, जितने भी उस एग्जाम में कैंडिडेट बैठे हैं उनका टॉपर है, तो फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए 400 नंबर है आपके और 200 बच्चा जो है वो अपीयर हुआ है, तो 400 नंबर है आपके, 400 मार्क्स हैं आपके, तो जो है वो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 300 है, ठीक है 300। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बिहाइंड यू, तो यहाँ पे होगा विच इज इक्वल टू कितने हैं 399 अपॉन मान लो 500 बच्चा जो है वो सॉरी 400 बच्चा जो है वो अपीयर हुआ है इंटू 100, तो ये ऐसे कैंसल हो जाएगा, इसको करके परसेंटाइल में स्कोर जो है वो आ जाएगा, इस तरह से परसेंटाइल में स्कोर आता है, ठीक है। तो ये होता है परसेंटाइल में स्कोर, इस तरह से जो है वो आपका परसेंटाइल में स्कोर आता है दोस्तों, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आपके परसेंटाइल स्कोर की, कि आपका परसेंटाइल स्कोर आता है उसके बाद उसमें, तो परसेंटाइल स्कोर जो है वो आता है एंड देन फाइनली आपका रिजल्ट जो है वो निकल के आता है, ठीक है। अब जहां तक बात है आपके सब ऑडिटर या जूनियर सुपरवाइजर की, तो आपके एग्जाम में दोस्तों मुझे लगता है ऑब्वियस सी बात है ये आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ होगा। पहले तो ओवरऑल जो लिस्ट आएगी सबकी, एक प्रोविजनल लिस्ट आएगी, प्रोविजनल में सबके मार्क्स होंगे, चाहे कोई माइनस वाला कोई प्लस वाला कोई जीरो वाला हो, सबके मार्क्स आएंगे। उसके बाद एक और लिस्ट निकालती है JKSSB, फिर JKSSB जो दूसरी लिस्ट निकालेगी उसमें आपका जो है वो नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब देखिए कट ऑफ क्या जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए,
मैं फाइनल लिस्ट के लिए नहीं बोल रहा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक और लिस्ट निकलती है उसका नहीं बता रहा मैं आपको जो है वो क्लियर बता देता हूँ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि पोस्ट जो है वो 162 है, तो आउट ऑफ 120 आप 90 प्लस जो है वो कट ऑफ लेके चलते हैं, ठीक है। तो 90 प्लस अगर आपके आपका स्कोर है 95 आ रहा है, 100 आ रहा है, आंसर की चेक करके 110 आ रहा है, तो फार बेटर है, उतने ही ज्यादा, जितना ज्यादा हाई स्कोर है दोस्तों उतने ज्यादा हाई चांसेस हैं आपके जो है वो रिकमेंड होने के, आपके सेलेक्ट होने के, ठीक है। तो अगर आपके 90 प्लस है तो डेफिनेटली यू विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर आपके 90 के आस पास है यानी कि 85 है, 82, 83 या अगर 75 प्लस भी है तो भी मैं आपको कहूंगा कि आप सेफ साइड में हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि JKSSB कितने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाती है, ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ पे देखी जाएगी। तो आप जो है वो अगर 75 प्लस मतलब 75 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप 75 प्लस हैं, 70s की रेंज में है तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, मैं इस चीज की गारंटी नहीं दे रहा, ठीक है। मैं आपको दोस्तों फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो हम कट ऑफ यहाँ पे बनाते हैं वो परफेक्ट कभी नहीं होता और ना हो सकता है, बट हाँ मतलब सिमिलरिटी होती है, 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स की जो है वो थोड़ा सा वेरिएशंस रहती है, थोड़ा सा फर्क रहता है, अदरवाइज तो उससे जो है वो आप लिंक कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर मैंने आपको 80 कहा तो जरूरी नहीं 80 जाएगा, 75 भी जा सकता है या 85 भी जा सकता है, ठीक है, आप समझ रहे ना। तो मतलब यही चीज होती है कि उसी रेंज में जो है वो आपका स्कोर जो है वो आपका कट ऑफ निकल के आता है। तो दोस्तों ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, लॉन्ग लिस्ट है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे, उन पे हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम से उन पे हमने कट ऑफ वीडियोज बनाई, और ऑब्वियस सी बात है उन वो कट ऑफ जो है वो हमारा प्रेडिक्टेड कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट सेम निकला, उसी रेंज में निकला, तो आप इस पे जो है वो यकीन कर सकते हैं। और डेफिनेटली आई विश यू ऑल द बेस्ट अगर आपका स्कोर जो है वो 70 प्लस कर रहे हैं, आप 75 प्लस कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।